हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे और आपकी प्रिपरेशन जो है वो बेहतर तरीके से चल रही होगी। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ SBI PO की, IBPS PO की और IBPS क्लर्क की। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं और आप फॉर्म भी फिल कर चुके होंगे कि इन तीनों की जो नोटिफिकेशन है वो ऑफिशियल आ गई है। अगर अभी तक आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो आप जल्दी से फॉर्म फिल कर लीजिए। तो इस वीडियो में मैं आपको तीनों एग्ज़ाम के बारे में बताने वाला हूं। जो लोग चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके पल अपडेट के लिए। तो सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं IBPS क्लर्क की। IBPS जो क्लर्क है उसके अंदर वैकेंसी इस बार काफ़ी अच्छी हैं और स्टेट वाइड जो वैकेंसी हैं वो और इंक्रीज़ होने के भी चांसेस हैं। अगर आप किसी भी स्टेट से फिल करते हैं तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज आप ध्यान से देख लीजिए, वरना आपको लोकल लैंग्वेज का टेस्ट देना पड़ेगा। उसके अंदर आपको पता ही है कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। एग्ज़ाम पैटर्न होता है कि 30 नंबर की इंग्लिश आती है, 20-20 मिनट के आपके सेक्शन वाइज टाइमर होते हैं और 35-35 आपके मैथ और रीजनिंग में क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद मेंस होता है आपका 200 नंबर का। उसी प्रकार से SBI PO के अंदर आपका पहले प्री होता है, फिर मेंस होता है, फिर आपका इंटरव्यू होता है, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है जिसके आधार पे आपको पोस्टिंग दी जाती है। अंत में मैं बात करना चाहूँगा IBPS PO का जो मेंस है वो SBI PO से और RRB PO से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसके अंदर एक एप्लीकेशन राइटिंग या फिर SC राइटिंग का टेस्ट देने के लिए आता है और वो 50 नंबर का होता है। उसके अंदर आपको कंप्यूटर पर ही टाइप करके लिखना होता है एप्लीकेशन राइटिंग। अगर आपने कभी कंप्यूटर पर टाइपिंग नहीं किया तो आप अपनी थोड़ी स्पीड बढ़ा लीजिए जिससे कि आप इजीली उस लेटर SC को लिख सकें। IBPS का जो PO है वो SBI PO से थोड़ा सा ईजी होता है, क्योंकि SBI PO जो है वो अपने क्वेश्चन जो है थोड़ा मॉडरेट टू टफ की तरफ जो रखता है, लेकिन SBI PO के अंदर आपको कुछ नॉर्मल क्वेश्चन भी मिल सकते हैं मेंस के अंदर। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ SBI की तो SBI के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, वो अपना जो एग्ज़ाम है मॉडरेट टू हाई ही सेट करके चलता है, जिसकी वजह से आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो बहुत ही कम जाती है। आप कंपेयर कर सकते हैं SBI PO को और IBPS PO को और RRB PO को, तीनों को आप कंपेयर कर सकते हैं। तो आप ये पाएंगे कि RRB PO की जो कट ऑफ है वो सबसे ज़्यादा, फिर IBPS PO की, फिर SBI PO की सबसे कम कट ऑफ जाती है। लेकिन ये कहना अभी से मुश्किल होगा कि कट ऑफ किसकी ज़्यादा जाएगी किसी कम जाएगी, क्योंकि अभी IBPS PO के अंदर जो है उन्होंने स्टेट फिलिंग नहीं कराया है कि आप कौन से स्टेट से फिल कर रहे हैं फॉर्म, ये सब इस बार नहीं खुला है। तो उसके अंदर डायरेक्ट बैंक्स की जो वैकेंसीज हैं वो लिखी हुई हैं, आप डायरेक्ट वहाँ से फिल कर सकते हैं और स्टेट के लिए इस बार नहीं है स्टेट फिलिंग आप नहीं कर सकते। वो अपने आप आपको पोस्टिंग देंगे या आपकी जो कट ऑफ बनाएंगे वो जैसे देखेंगे वो उनको पता होगा। अगर आप SBI PO ज्वाइन करना चाहते हैं, IBPS PO ज्वाइन करना चाहते हैं, IBPS क्लर्क ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप सबके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया है और आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो आपको पहले सारे टॉपिक क्लियर कर लेने चाहिए, और अगर आपने टॉपिक्स को कई बार रिवाइज कर लिया है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देने चाहिए अलग अलग वेबसाइट से, जिससे कि आपकी स्पीड इंक्रीज़ होगी और आपको पेपर के पैटर्न का अलग अलग टाइप से पता चल जाएगा कि आपका एग्ज़ाम ऐसा भी आ सकता है ऐसा भी आ सकता है, तो आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे एग्ज़ाम के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। थैंक यू।